गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें कॉल आती है और हमारा टॉक बैक मतलब पढ़ के बताता ही नहीं है ना किसका कॉल आया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार नाम पढ़ता है वो, उसके बाद नंबर बोलता है, फिर उसके बाद जो है वो बोलता ही नहीं मतलब, है ना। तो गाइज, आप मैं आज एक कॉलर नेम अनाउंसर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके वजह से आपका फोन बोलेगा गाइज, मतलब जिसका भी कॉल आएगा, जैसा मेरा कॉल आएगा तो आपकी रिंगटोन भी बजेगी, और जब तक कॉल आपका एंड नहीं होता तब तक वो बोलता ही रहेगा और रिंगटोन भी बजेगी, जैसा प्रमोद प्रमोद ऐसा बोलेगा और रिंगटोन भी बजेगी, है ना। पहले क्या होता था गाइज, आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना होता था, है ना, किसका कॉल आया है देखने के लिए, फिर वहाँ पे एंड डिक्लाइन, फिर उसके बाद वो नाम पड़ता था किसका कॉल आया है ना। लेकिन गाइज, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली आपका फोन कहीं भी होगा और किसी का भी कॉल आएगा तो नाम पढ़ के बताएगा, ठीक है, वो भी कॉल एंड होते तक, जिसका भी जिस नाम से आपके फोन में नंबर सेव है उसी नाम से वो पढ़ के आपको बताएगा कि किसका कॉल आया है। और ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइज, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, क्योंकि ये हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ना, बेहद ज़रूरी वीडियो है ये। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोज़ देख पाए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए गाइज। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो लाइक की कंजूसी मत कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आना चाहिए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, लाइक करने से वीडियो रिकमेंड होती है ना, लाइक जरूर कीजिए कीजिए गाइज, क्योंकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें अबाउट पेज से कॉन्टैक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज, ये जो कॉलर नेम अनाउंसर है इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, है ना, चलते हैं अपने कॉलर नेम अनाउंसर में और आपको बताते हैं कैसे सेटिंग करना है सब कुछ। तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं कॉलर नेम अनाउंसर में। Current time 8:15, Tuesday, December the 13th. Disabled speech feedback. You've got a message. System launcher. All. Media volume control shown. Entertainment. अब कॉलर नेम अनाउंसर में चलेंगे हम। Shopping. Finance. Lifestyle. Knowledge and education. News and community. Open app. WhatsApp. WhatsApp. Themes. News. File. Auto. Setting. Contact. Amazon. Amazon. तो देखिए गाइस, फिर से सुन लीजिए, ये एप्लीकेशन कॉलर नेम अनाउंसर, ठीक है। तो अब हम इस कॉलर नेम अनाउंसर पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, ठीक है, अब आगे स्वाइप करते हैं। कंटिन्यू बटन, कंटिन्यू बटन मिलता है यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। We need the following permissions to work properly. ये परमिशन देने के लिए बोल रहा है। Phone. To detect incoming calls. To detect incoming call. Contacts. Contacts. Required for contacts announcement. Contact announcement. Give permission button. Give permission button. तो आपको give permission button पे क्लिक कर देना है। Allow caller name announcer to access your contacts. Allow. Allow करना होगा contact, ताकि read कर सके जिसका भी call आएगा। Allow caller name announcer to make and manage phone calls. अलाउ करना इसे भी। कॉलर नेम अनाउंसर ओवरले परमिशन। आगे स्वाइप करते हैं। टू यूज द कॉलर आईडी फंक्शनैलिटी वी रिक्वायर ओवरले परमिशन, प्लीज अलाउ आवर एप्लीकेशन इन द ओवरले परमिशन सेटिंग स्क्रीन। आफ्टर अलाउइंग इट जस्ट प्रेस द बैक बटन।
आगे स्वाइप करते हैं, गो टू सेटिंग्स बटन, गो टू सेटिंग है, लेटर बटन, लेटर है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, गो टू सेटिंग्स, तो गो टू सेटिंग में जाके देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, डिस्प्ले और अदर एप, डिस्प्ले ओवर अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स नॉट चेक्ड, चेक बॉक्स, इसको चेक कर लेंगे, चेक्ड, चेक किए, अब आगे स्वाइप करते हैं, अलाउ दिस एप टू डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ अदर एप्स यू आर यूजिंग, इट मे इंटरफेयर विद योर यूज ऑफ दोस एप्स और चेंज द वे दे सीम टू अपीयर और बिहेव, स्टॉप रिकॉर्डिंग 5 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही है, बैक करते हैं एक बार, अब कॉल द नेम अनाउंसर टीटीएस सेटिंग्स, अब यहाँ पे है टीटीएस सेटिंग, आगे स्वाइप करते हैं, टीटीएस एंजिन्स स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, हाँ टीटीएस सेटिंग स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, मतलब आप क्या चाहते हो, आपको किसी का भी कॉल आएगा तो कौन सा टीटीएस मतलब अनाउंस करना चाहिए, है ना, कौन सी टीटीएस की आपको आवाज आनी चाहिए, है ना, किसी का भी कॉल आएगा तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, ओ कॉलाइजर हो गया, जो भी है वो रख सकते हो गाइज, आगे स्वाइप करते हैं, अनाउंस लैंग्वेज हिंदी इंडिया, अनाउंस लैंग्वेज हिंदी इंडिया है मेरे फोन में, ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है वो आप रख सकते हो, ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं, सैंपल सेंटेंस, सैंपल सेंटेंस नंबर का फोन आ रहा है, ठीक है, ये सैंपल सेंटेंस है, आगे स्वाइप करते हैं, टेस्ट अनाउंसमेंट बटन, टेस्ट अनाउंसमेंट बटन, इस पे क्लिक करके आप उस टीटीएस की आवाज सुन सकते हो, है ना, इस पे टेस्ट करके दिखा देता हूं मैं आपको, कनेक्टिंग द टीटीएस नंबर का फोन आ रहा है, ठीक है, ये टेस्ट हुआ, टेस्ट की हमने डन करते हैं, यहाँ नेम अनाउंसर शेयर बटन, आगे स्वाइप करते हैं, मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शन बटन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये ऐड है, वेब व्यू, वेब व्यू, वॉच फॉर फ्री ऑन Amazon मिनट्स, वॉच रोमांटिक सीरीज क्रश, वॉच रोमांटिक फॉर फ्री ऑन Amazon, ओपन Open. यहाँ पे याद रखिए, कॉल अनाउंसर, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है कॉल अनाउंसर, ठीक है, तो अब हम कॉल अनाउंसर में चलते हैं, कॉल अनाउंसर नेविगेट अप बटन, ठीक है, कॉल अनाउंसर में हम आए, अब आगे स्वाइप करते हैं, कॉल अनाउंसर एडवर्टाइजमेंट वेब व्यू परसेंट थ्री एंगेज थिंक विद, ये याद नहीं, यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हैं, है ना, ये कुछ कंपनी के प्रचार कर रहा है, कॉल अनाउंसर ऑन स्विच, हाँ कॉल अनाउंसर ऑन है ये, ठीक है, तो आपके पास अगर ऑफ है तो इसको ऑन रहने देना है, ठीक है, या पहले से ऑन है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर इसे ऑफ करोगे तो कॉल अनाउंसर किसी का भी कॉल आएगा तो अनाउंस नहीं करेगा गाइस, तो इसको आपको ऑन ही रहने देना है, आगे स्वाइप करते हैं, जनरल, जनरल है, हेडिंग है ये, इनिशियल टाइम डिले फॉर अनाउंस 2 सेकंड्स, देखिए मतलब ये चार बार अनाउंस करेगा 2-2 सेकंड के बाद, ठीक है, चार बार करेगा, ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा है, इनिशियल टाइम डिले फॉर अनाउंस 2 सेकंड्स, 2 सेकंड, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि दो बार ही अनाउंस करे, किसी का कॉल आएगा तो दो बार ही नाम मतलब ये बोलना चाहिए, है ना, तो आप दो बार सिलेक्ट कर सकते हो, या आप मतलब क्या चाहते, कितने बार वो रीड करना चाहिए ये आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं, अनाउंस रिपीट टाइम 4 times at interval of 4 seconds, हाँ तो वही है ना, 4 सेकंड के बाद मतलब ये अनाउंस करेगा, तो यही है, तो मतलब ये शुरू से सुन लीजिए, पीछे अनाउंस रिपीट टाइम 4 times at interval of 4 seconds, एंटर 4 सेकंड मतलब ये 4 सेकंड के बाद मतलब ऐसा होगा, तो यहाँ से आप 2 सेकंड भी कर सकते हो, मतलब 2 सेकंड के 2 सेकंड वाला मतलब ये करना चाहिए या कितने बार रीड करना चाहिए ये आप यहाँ से, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, रिपीट अनाउंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे कितना देख लेते हैं, 4 टाइम इस पे क्लिक करेंगे, रॉबर्ट मेन्यू पे टू टाइम्स, अगर आप चाहते हो कि 2 टाइम ही अनाउंस करना चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हो, 3 times है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि 3 टाइम मतलब 3 बार नाम लेना चाहिए तो 3 पे सिलेक्ट कर सकते हो, 4 times अगर आप चाहते हो कि 4 बार अनाउंस करना चाहिए तो 4 टाइम पे क्लिक कर सकते हो, कंटिन्यूअसली ठीक है, continuously drop down list announce how many times, या एनी टाइम है मतलब है एनी टाइम करना चाहिए या मतलब एनी टाइम करना चाहिए ये भी कर सकते हो, ठीक है, 2 times 3 times हम 4 times ही रहने देंगे, ठीक है, पहले से ये 4 times है, announcement 4 times drop down list, 4 times, ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं, 4 seconds drop down list, हाँ, delay between announcement, delay मतलब 4 सेकंड बाद ये कॉल अनाउंस करेगा, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितने टाइम बाद ये अनाउंस करना चाहिए, है ना, ये देखिए 0 सेकंड है यहाँ पे, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, तो आप मतलब क्या चाहते हो कि कॉल किसी का भी आए तो
कॉल आने के बाद कितने घंटे बाद, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, कितने सेकंड बाद ये रीड करना चाहिए, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 2 सेकंड पे कर देता हूँ। आप जो भी चाहे वो रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। पहले से 4 सेकंड पे होता है, आगे स्वाइप करते हैं, कैंसिल, सेव पे क्लिक करेंगे। टू सेकंड ठीक है, मतलब 2 सेकंड में ही होगा। रिड्यूस वॉल्यूम रिंग, फिर से सुन लीजिए, ऑन है ये, मतलब जिस समय अनाउंस करेगा उस समय ये रिंग जो है, ये रिंग जो आप कोई रिंगटोन रख, मतलब वो रिंगटोन भी बजना चाहिए या नहीं, तो पहले से ऑन है, इसे ऑन ही रहने देना है। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपकी जो रिंगटोन है, रिंगटोन का आवाज वो नहीं आएगा, बस वो सिर्फ अनाउंस करेगा बस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रिंगटोन की भी आवाज आना चाहिए तो इसको ऑन ही रहने देना होगा। आगे स्वाइप करते हैं, अनाउंसमेंट, announce unknown number, announce the number even if the number not in the contact list, on switch। हाँ, on है, मतलब आप क्या चाहते हो, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव नहीं है और आप चाहते हो कि वो भी अनाउंस करना चाहिए, उसका नंबर है ना, जो नंबर सेव नहीं है आपके फोन में तो उसका नंबर ही पढ़ना चाहिए है ना, लेकिन वो अनाउंस करना चाहिए क्या नंबर है, तो इसको ऑन ही रहने देना है। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपके फोन में जो नंबर सेव नहीं है वो पढ़ के नहीं बताएगा आपको, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट में जिसका नंबर सेव नहीं है तो उसका नाम नहीं पड़ेगा, उसका सिर्फ नंबर ही पड़ेगा। जैसा मेरा नंबर आपके पास सेव नहीं है तो बोलेगा 7822, मतलब ऐसा है ना पड़ेगा, ठीक है। आगे स्वाइप करते हैं, specify what to announce for unknown number, announce number। ये call waiting during the call, announce of an incoming call, specify what to announce for, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मतलब आप कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ मत कीजिए। call waiting during the call, announce of an incoming call, off switch। हाँ, फिर से सुन लीजिए इस ऑप्शन को, call waiting during the call, announce of an incoming call, off switch। call waiting मतलब आप किसी के साथ बात करते हो, ठीक है, मान के चलो आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, आप कॉल पे बिजी रहते हो है ना, किसी के साथ बातें करते हो कॉल पे, और किसी और का आपको कॉल आता है उस समय, तो आप क्या चाहते हो, उस समय भी रीड करना चाहिए या नहीं, मतलब जैसा आप किसी के साथ बात कर रहे हो फोन पे और मैं इधर से फिर आपको कॉल करता हूँ, तो आपको मतलब जो बंदा आपको कॉल कर रहा है, जो भी कॉल कर रहा है, उसका भी उसका नाम उस समय बताना चाहिए या नहीं, पढ़ना चाहिए या नहीं, वो आप क्लिक मतलब सेट कर सकते हो यहाँ से। अगर ये अभी ऑफ है, कॉल वेटिंग ऑफ है, इसे अगर आप ऑन करोगे तो आप जो है कॉल पे किसी के साथ बात कर रहे हो और किसी और का आपको कॉल आ रहा है तो बता देगा कि किसका कॉल आ रहा है ना उस समय भी, तो मैं इसे ऑन करूँगा क्योंकि मुझे बताना चाहिए, मैं किसी के साथ भी कॉल पे मतलब मेरी बातें होती रहेगी और किसी और का भी कॉल आता है नाम पढ़ के बता देना चाहिए, ठीक है। आगे स्वाइप करते हैं, others, announce name only, announce only, call a name or number off switch। Announce name only, सुन लीजिए, others, announce name only, announce only, call a name or number off switch। हाँ, तो इसको आपको ऑन कर देना है गाइस, on, इसको हमने ऑन किया, ठीक है। आगे स्वाइप करते हैं, text before caller disabled, text after caller, मतलब देखो text after caller है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि मान के चलो, सुन लीजिए फिर से, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम ले, मतलब जैसा कि मान के चलो आपका नाम, मेरा नाम प्रमोद है, तो मैं हेलो प्रमोद ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप इस पे मतलब यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट आफ्टर कॉलर का फोन आ रहा है, हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर कॉलर का फोन आ रहा है, डिसेबल है, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप, स्टॉप रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट आफ्टर कॉलर, मतलब यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे आप क्या सेट कर सकते हो कि कोई भी कॉल आए तो जैसा बोलेगा प्रमोद, फिर आप क्या चाहते हो वहाँ पे, इज कॉलिंग यू या जो भी चाहते हो यहाँ आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है ना, तो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है गाइस, माफी चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक बार बैक चलते हैं, और भी कुछ ऑप्शन है दिखा देता हूँ, कॉल अनाउंसर है, SMS अनाउंसर, SMS अनाउंसर, यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, we need the following permissions to work properly, we need the following contacts, यहाँ पे required for notification, we need notification, go to settings, stop recording, hold, stop, go to settings, यहाँ पे go to settings में जाएंगे, notification access, notification access में जाएंगे, analytics,
Android Auto checked. Checkbox. Call a name announcer. Not checked. Checkbox. चेक करते हैं कॉल नेम अनाउंसर को. Read and control. Read all. Read no. Read all. Not checked. Check. I'm aware of the possible risks and assume not checked. Check. Checked. I'm aware of. Okay. Two. Okay करेंगे. Cancel. But stop record. Okay. Button. Notification access. Call a name announcer. Checked. Checkbox. Checkbox है. Google Play services. Chromebook. Call a Android Auto. Checked. Checkbox. Android Auto है ये. Analytics. Check. ब्याक करते हैं एक बार अब. Call a name announcer. SMS announcer. SMS announcer में जाते फिर से. Navigate up. SMS advertisement. Web view. SM general. Announce repeat time. One time. हाँ, announce repeat time. One time है ये, है ना? ये मतलब कोई SMS आता है आपके साथ पास, मतलब कोई कंपनी का, तो ये पढ़ के बता देता है जो भी SMS आया है आपके पास, ठीक है? Message content. Announce the message content also. Not checked. Checkbox. ये not check है, मतलब message content. Announce the message content also. Not checked. Message contact also not check है, तो मैं तो नहीं चाहता कि इसको आप ऑन रखो, इसको आप ऑफ ही रहने दीजिए. Announce unknown number. Announce the number, even if the number not in the contact list. On. Switch. On है ये, मतलब वही जो मैंने caller name announcer में बताया था, जिसका number सेव नहीं होगा उसका भी ये पड़ेगा. Specify what announced. Others. लेकिन कहीं जो है SMS announcer है, इसको आप off ही रहने दीजिए तो अच्छा होगा. Announce only. Send the name or number. Off. Switch. ये off है. Text before sender. ठीक है, ये SMS text को. Text after sender. का message. Stop it. Text after send. तो ये caller name announcer जी यहाँ पे भी setting है, ठीक है? SMS announcer. WhatsApp announcer. WhatsApp announcer में देख लेते हैं क्या है. WhatsApp announcer. Navigate up. WhatsApp advertisement. Web view. WhatsApp announcer off. Switch. WhatsApp announcer off है, ठीक है? तो इसको आप on भी कर सकते हो. ये on करोगे तो मतलब ये है कि किसी का भी message आएगा तो ये पढ़ के बताएगा, लेकिन ये अभी work नहीं कर रहा है अच्छे से, है ना? आने वाले समय में हो सकता है कि वो जो developer है इसके, तो वो इसको अच्छे से इसमें कुछ सुधार कर सके, है ना? लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है? आप इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है? Call announcement. Announce when you get a call. On. Switch. Disabled. ये disable है, मतलब ये क्योंकि हमने जो है इसको ऑफ रखे इसलिए, ठीक है? Call announce. Initial time delay for announce. 2 seconds. Disabled. 2 seconds बोलता है ये. Announce repeat time. 4 times at interval of 4 seconds. ठीक है, ये भी ये मतलब WhatsApp का कॉल का है. Message. Message announcement. Announce when you get a message. On. Switch. ये on है, ठीक है? ये disable हो रहा है अभी. Back. Call a name announcer. WhatsApp announcer. ठीक है, WhatsApp announcer हो गया. Battery and charger announcer. Battery and charger announcer. ये बोल रहा है, फिर से सुन लीजिए. Battery and charger announcer. इस पे क्लिक करते हैं. Battery announcer. Navigate up. Battery advertisement. Web view. यहाँ पे क्या देख रहे थे? Battery and charger announcer on. Switch. Battery and charger announcer on है, मतलब ये बताएगा जैसे चार्जर चार्जिंग पे फोन लगाते हो आप, चार्ज करते हो तो चार्जर कनेक्टेड बोलेगा, चार्जर निकालते हो चार्जर डिसकनेक्टेड बोलेगा, ठीक है? और बैटरी भी बताएगा, आगे स्वैप करते बैटरी. बैटरी लेवल. अनाउंस बैटरी लेवल एवरी 15%. हाँ, यहाँ पे मतलब 15% ये अनाउंस करेगा, जैसे 15% बैटरी तो बोलेगा बैटरी लेवल 15%, मतलब जैसे आपके पास 30% है तो मतलब वो 15% के 15% मतलब जैसे देखो आपके पास 100% चार्ज है बैटरी को, ठीक है? और फिर आपको आपके पास जैसा मतलब मान के चलो 85% बचते, 15% खत्म हो जाएगी तो बोलेगा बैटरी लेवल 85% ऐसा बोलेगा, ठीक है? जैसे मतलब 15% पे बोलेगा, ठीक है? अनाउंस करता रहेगा. On. Switch for battery level. आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, इसे ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है? Battery low. Announce when battery is low. On. Switch. हाँ, बैटरी लो, अगर आपकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अनाउंस करना चाहिए बैटरी लो या नहीं, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो या ऑन भी रहने दे सकते हो. ऑन रहने दोगे तो बैटरी मतलब लो होगी तो ये आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है? Repeat announcement one time. Repeat announcer one time, ये एक बार ही बोलेगा. आप यहाँ से repeat announcement यहाँ पे 2 times, 3 times भी कर सकते हो. चार्जर. चार्जर अलर्ट. अनाउंस व्हेन चार्जर इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड. ऑन. स्विच. ये ऑन है, इसे आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब चार्जर कनेक्ट होगा तो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड बोलना चाहिए, यानी या आप यहां से कर सकते हो, ठीक है? फुल चार्ज अलार्म. स्टार्ट अलार्म व्हेन द बैटरी इज 100% चार्ज्ड. हाँ, ये अलार्म है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है. आपके फोन को फुल चार्ज हो जाएगी तो अलार्म यहां पे बजेगा, ठीक है? तो On. Switch for full charge alarm. On है ये, ठीक है? इसे आप ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. आप लेकिन आने वाले समय में भी वर्क करेगा अच्छे से. Select tone. Default. Dynamic underscore alarm underscore speech.ogg. ये इसकी रिंगटोन है. Button for select tone. Button for select tone. Alarm duration 30 seconds. 30 second
ड्यूरेशन है, बस यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बैटरी चार्जर अनाउंसर देखिए हमने, अब आगे स्वाइप करते हैं, अनाउंस सेटिंग, तो अब अनाउंस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अनाउंस सेटिंग पे क्लिक किया हमने, अनाउंस एडवर्टाइजमेंट वेब व्यू प्लस एंगेज थिंक विद गूगल परसेंट 3 बटन अनाउंस सेटिंग इनेबल अनाउंसर इन व्हिच मोड रिंग ये रिंग है, इसको ऑन ही रहने दीजिए, यहां पे कुछ मत कीजिए, अनाउंस वॉल्यूम्स सेट अनाउंस वॉल्यूम्स ऑफ द अनाउंसर, हाँ अनाउंस वॉल्यूम पे क्लिक करके देख लेते हैं, अनाउंस स्पीड नॉर्मल डिफॉल्ट, देखिए अनाउंस स्पीड डिफॉल्ट है, वेट टू स्टॉप अनाउंसमेंट शेक फोन, शेक फोन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टीटीएस सेटिंग्स व्हाट इज टीटीएस, व्हाट इज टीटीएस, यहाँ से आप टीटीएस मतलब कर सकते हो, जो ऐसा मैंने बताया था पहले, अनाउंस अ लैंग्वेज हिंदी है, सेटिंग बटन है, और एक ऑप्शन हमने अभी देखी नहीं, अनाउंस स्पीड अनाउंस वॉल्यूम्स सेट अनाउंस वॉल्यूम्स ऑफ द अनाउंसर, इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या है यहाँ पे, अनाउंस वॉल्यूम पे 15.0 स्लाइडर, 15.0 स्लाइडर है, ठीक है ये फुल है गाइस, 14.0 आ रहा है, हाँ तो यहाँ से आप मतलब इसकी आवाज जो वो अनाउंस करेगा उसकी आवाज यहाँ पे कम ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। आगे स्वाइप करते हैं, एसएमएस का ये 15.0, एसएमएस का यहाँ से आप, ये भी फुल है, इसे आप कम भी कर सकते हो, या उंगली से है ना, तो ऐसा कर सकते हो। आगे स्वाइप करते हैं, व्हाट्सएप है 15.0 स्लाइडर है, ये इसे कम भी कर सकते हो, 14.0 स्लाइडर फ्रॉम अननोन नंबर, ऐसा मतलब ये अननोन नंबर बोल रहा है, लेकिन आपके पास जो भी नंबर आएगा उसका नाम लेगा, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग इमेज, यहाँ बैक करते हैं एक बार, अनाउंस वॉल्यूम्स सेट अनाउंस स्पीड नॉर्मल, अनाउंस स्पीड यहाँ से आप अनाउंस की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, वेट टू स्टॉप अनाउंसमेंट शेक फोन, शेक फोन टीटीएस सेटिंग्स, वेट टू स्टॉप अनाउंसमेंट शेक फोन, इस पे क्लिक करते क्या है, वेट टू स्टॉप अनाउंसमेंट चेक शेक फोन, शेक फोन चेक पावर बटन, पावर बटन चेक शेक फोन, शेक फोन नॉट चेक पावर बटन, मतलब पावर बटन दबाओगे तो मतलब बंद हो जाएगा, है ना, वो रिंगटोन जैसा आपको पता ही होगा, वो कैंसिल सेव पे क्लिक कर देते हैं, मतलब अनाउंसमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। टीटीएस सेटिंग, तो ये तो हमने जान लिए थे, बैक करते एक बार, फ्लैशलाइट अलर्ट, फ्लैशलाइट अलर्ट कस्टमाइज्ड फ्लैशलाइट, इस पे क्लिक करते हैं, फ्लैशलाइट अलर्ट पे नेविगेटर फ्लैश एडवर्टाइजमेंट वेब व्यू फ्लैशलाइट कॉल ऑन स्विच, कॉल ऑन स्विच है ये, एसएमएस ऑफ स्विच, एसएमएस ऑन मतलब देखो कॉल ऑन मतलब कॉल आएगा तो फ्लैशलाइट जलेगी, तो आप क्या चाहते हो, मतलब फ्लैशलाइट जलनी चाहिए या नहीं, मैं तो इसे ऑफ करूंगा, आप इसे ऑन भी रख सकते हो, जैसे आपको कॉल आएगा तो आपकी फ्लैशलाइट भी ऑन हो जाएगी, ठीक है, ऑफ है, एसएमएस ऑफ स्विच, एसएमएस ऑफ स्विच है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन है ऑफ, नोटिफिकेशन भी आएगी तो नहीं मतलब नहीं जलना चाहिए, फ्लैश सेटिंग्स फ्लैश पैटर्न रिदम, फ्लैश सेटिंग है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लैश एसएमएस 3 times notification 2 times enable flash in which mode ring ring disable flash when screen is on off switch when battery is below 15% gesture stop gesture back but shake phone power stop 20 stop power shake phone gesture to stop shake phone on switch shake phone on hai power button on switch power button on hai stop record power button on back yahan pe aapko kuch nahi karna hai फ्लैशलाइट अलर्ट होगी। अब आगे स्वाइप करें क्या है, कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट, कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप कस्टमाइज्ड कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब कोई आपके पास नंबर सेव है तो आप उसका नाम मतलब उसका कॉल आएगा तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, उसका नाम क्या लेना चाहिए या ना उसमें वो आप कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब है ये, क्विक सेटिंग्स, डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करके देख लेते क्या है, नेविगेट, डू नॉट एडवर्टाइजमेंट वेब व्यू, डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज ऑन, do not disturb off switch, do not disturb off hai ye, when do not disturb is aise aap on bhi kar sakte ho, flashlight alerts will be paused in a given time interval, set time start time 11:00 pm night disabled, to ye matlab aise hi yahan pe next day 06:00 am repeat every day disabled, allow do not disturb, allow announcement from none disabled, none hai ye, ye bya karte hai, ye koi kaam ka nahi utna, do not disturb quick settings caller id, कॉलर आईडी है ये, ये कॉलर आईडी आना है, ये क्विक सेटिंग क्या है ये देख लेते हैं, ये आप कॉलर आईडी क्विक सेटिंग्स, ये ऑन ऑफ ऑन
ये मतलब बताता है वो क्या क्या ऑन है ऑफ है, लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है। कॉलर आईडी है ये, ऑन है ये कॉलर आईडी है ना, मतलब किसी की कॉलर आईडी मतलब वो रीड करना चाहिए। ये है कॉल अनाउंसर ऑन है, ठीक है। तो देखो ये SMS अनाउंसर ऑन है, तो अगर आप चाहते हो कि SMS नहीं पढ़ना चाहिए, किसी का भी SMS आएगा तो है ना, कोई कंपनी का मेल जाता है तो आपको ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है गाइज। आप कहीं भी होते हो क्लास में या कहीं भी, तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसे आप ऑफ कर लीजिए। इसको मैं ऑफ करूंगा, ठीक है। आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि इसे आप ऑफ ही रहने दीजिए। आगे सब करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप अनाउंसर ऑफ है, इसे आप ऑन भी कर सकते हो यहाँ से, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना चाहिए या नहीं करके। फ्लैश लाइट अलर्ट इसे मैं ऑफ करूंगा, कोई हमारे काम की नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ऑन भी रख सकते हो, आप लो विजन हो और आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है गाइज। अब हम ब्याह करते एक बार, ये सारी सेटिंग मैंने बताई, अब आपको एक चीज मैं बताऊंगा, एक मिनट। अब जो रेडमी यूजर्स है, ठीक है, जो रेडमी यूजर्स है स्वामी जो जिसके पास स्वामी का मतलब है डिवाइस, ठीक है, तो स्वामी शाओमी का जो भी डिवाइस है, तो उनको क्या करना होगा, ऑटो स्टार्ट की परमिशन देना होगा इसे। और जो सैमसंग यूजर्स है उन्हें बैटरी की परमिशन देना होगा ताकि अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो हम ऑटो इसको एक मिनट, तो हम इसे ऑटो स्टार्ट की परमिशन देंगे और उसके बाद कॉल करके आपको दिखाएंगे कैसे अनाउंस करता है। पहले एक बार इस पे क्लिक करके देखते हैं और कुछ परमिशन तो नहीं मांगता। देखो क्या बोलता है, देखिए, देखिए इस पे हमने क्लिक किया, ये सेटअप होने के बाद फिर से आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये भी यही रिकमेंड करेगा कि आपको ऑटो स्टार्ट की परमिशन देना होगा। कैंसिल, ओके। देखो ये हमें ऐप इन्फो में लेके गया डायरेक्ट, है ना, हम ब्याह हुए और फिर से वहाँ पे गए तो, क्योंकि हमारे पास रेडमी का फोन है इसलिए। तो आगे सब करते हैं, अगर आपके पास नहीं आता है ये तो आपको यैप इन्फो में जाना होगा, डबल टैप को लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये यैप इन्फो ओपन हो चुका है, ओके के, तो अब आगे सर्च करते हैं। कॉल द नेम अनाउंसर वर्जन स्टोरेज, ये वर्जन है 3. स्टोरेज डेटा यूसेज 1.3 MB, ये डेटा यूसेज है 1.9%, बैटरी है, परमिशंस ऑटो स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट नॉट चेक है, इस पे चेक करेंगे, अलाउइंग एप्स टू ऑटो स्टार्ट मे कैंसिल, ओके, ओके करेंगे, सिक्योरिटी बैक बटन, अब बैक करते हैं, बस हो चुका है, ऑटो स्टार्ट की परमिशन हम दे चुके हैं, ठीक है गाइस। अब बैटरी की भी परमिशन इसे दे देंगे हम, है ना, एक बार बैक करेंगे, सिस्टम लॉन्चर, कॉल द नेम ऑफ दैट, ट्रैकिंग वन आइटम, शॉपिंग टूल्स फॉर ऑल 27 मिनट्स 27 ऑल एंटरटेनमेंट ऑल 20 stop it uninstall app info, ये app info पे क्लिक करेंगे, इसको बैटरी की परमिशन देते हैं, देते हैं ताकि अच्छे से वर्क कर सके। data usage battery 2.0, बैटरी पे क्लिक किया, power use, call the name announcer, battery used by app 2.0, usage data, cpu to cpu for mobile data stop record 20 back, power usage, call the name, power usage, call the name announcer, battery used, usage deep, CPU total, CPU for mobile data set. एक मिनट, यहाँ पे क्लिक नहीं करना था अभी। Battery 2. Permissions. Auto start. Checked. Checkbox. App permissions. App permissions. Other permissions. Notification. Restricted notifications. तो देखिए, notification yes है तो आपको notification no करना होगा, ठीक है? क्योंकि notification no करोगे तो ये होगा कि कोई भी कॉल कटेगा तो वहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है गाइस, हम मतलब कॉल कट करोगे तो कॉलर नेम अनाउंसर का वहाँ पे कुछ भी आ जाता है ना, तो उस कहाँ ये जो टाइट है मतलब ऐसे तो नहीं आती, लेकिन कुछ भी वहाँ पे आ जाता है, फिर एक बार आपको ब्याक करना होता है। लेकिन हमें नहीं करना है, एक बार ब्याक ऑटोमेटिकली हमारे जो कॉन्टैक्ट है वहीं पे जाना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए, ठीक है, नो करते हैं, show notifications checked, checkbox अनचेक करेंगे, अनचेक, ये कोई काम का नहीं, इसको अनचेक करना होगा, ठीक है। floating notifications allow floating notifications not checked, checkbox, ये नॉट चेक करेंगे, लॉक स्क्रीन notifications allow notifications on the lock screen not checked, check allow sound not checked, checkbox allow sound, ये सब कुछ, ये कोई काम का नहीं है, checkbox allow vibration ये डिसेबल है, कोई काम का नहीं है, ठीक है।
Notifications. Yes. Restrict data usage. Battery saver. My Wii battery. हाँ, battery saver पे आपको जाना होगा. ठीक है. No restrictions. Battery saver doesn't restrict apps activity. Checked. Battery saver recommended. ओ, ये तो पहले से चेक है गाइस. है ना, पहले से चेक है. वाह, क्या बात है. Background apps. Close apps after 10 minutes of background activity. Restrict background activity. Apps will be closed to save power. इस पे क्लिक करके देखते हैं. ओके कर देना यहाँ पे. ठीक है गाइस, तो हम अब हमारी सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है. अब हम दूसरे फोन से हम कॉल करेंगे यहाँ पे और आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे अनाउंस करता है. तो चलिए अब हम दूसरे फोन से कॉल करते हैं, है ना. आप वेट कीजिए, ठीक है, और आपको बताते हैं कैसे अनाउंस करता है और रिंगटोन भी बजती है उसके साथ साथ. ठीक है, तो चलिए. तो देखो गाइस, अब हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप सुनिए. तो देखिए, अब कॉल आ रहा है हमें, ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं सुना पाऊंगा कि कॉपीराइट आ सकता है. देखिए गाइस, अभी नाम पड़ेगा सुनील टिग्गा, पढ़ रहा है, कट कर दो, ठीक है, देखिए कट कर दो. ओके गाइस, तो गाइस कॉपीराइट नहीं आना चाहिए क्योंकि सॉन्ग है ना, पता नहीं आएगा या नहीं, लेकिन नहीं आना चाहिए यार, है ना. तो ऐसे अनाउंस करेगा गाइस ये, ठीक है. तो आप बताइए कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलता हूं मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.